भारतीय टीम के पेस बैटरी इमरान मलिक ने टीम इंडिया के लिए हाल ही में डेब्यू किया है। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ टी20 मैच से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। उन्होंने अब तक सिर्फ 3 ही टी20 मैच खेले हैं, लेकिन ये उनके लिए कुछ खास नहीं रहे। आपको बता दें कि इन टी20 मैच में कुछ खास कमाल इमरान मलिक नहीं दिखा पाए। लगातार 150 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से बॉलिंग करने में सक्षम उमरान को टीम इंडिया में मजबूती से अपनी पैठ बनाने के लिए दमदार प्रदर्शन दिखाना होगा। मगर कई ऐसे भी क्रिकेट पंडित हैं जो ये मानते हैं कि उमरान अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए परफेक्ट नहीं है। आज हम ऐसे ही क्रिकेट पंडित के बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर से आने वाले स्टार प्लेयर उमरान को अभी काफी कुछ सीखना है और साबित करना बाकी है। इन्हीं क्रिकेट पंडित में से एक आकाश चोपड़ा भी हैं, जिन्होंने ये बात कही है। आपको बता दें कि आकाश चोपड़ा ने अपने चैनल पर एक सवाल के जवाब देते हुए कहा कि उमरान मलिक में कुछ ऐसा है जो दूसरों में नहीं है। वो तेज रफ्तार है, ये आप किसी और को नहीं सिखा सकते। आप सब कुछ सिखा सकते हैं, जैसे लाइन और लेंथ, यॉर्कर, बाउंसर, स्लोअर, लेकिन आप रफ्तार के साथ बॉलिंग करना नहीं सिखा सकते। आप या तो तेज गेंदबाज के रूप में या एक मीडियम पेसर के रूप में जन्म लेते हैं, पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा। इसमें कोई शक नहीं है कि उसके पास रफ्तार है, मगर मुझे इस समय ऐसा लगता है कि उमरान मलिक इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है। ये समझना आसान है कि उन्हें समय चाहिए। उन्होंने अभी सादा क्रिकेट नहीं खेला है और अभी वो कच्चे हैं। हालांकि आकाश चोपड़ा ने ये सारी बात कही अपने चैनल पर। एक सवाल का जवाब देते हुए आकाश चोपड़ा ने उमरान मलिक को लेकर ये सारी बातें कही। हालांकि अगर उमरान मलिक के आईपीएल की बात की जाए तो आईपीएल में उमरान मलिक का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। उन्होंने 14 मैचों में 22 विकेट चटके। और साथ ही अगर बात की जाए उमरान मलिक की, तो उमरान मलिक ने आईपीएल 2022 सीजन में अपना जलवा दिखाया था, जिसके बाद उन्हें इंटरनेशनल मुकाबले में मौका मिला। इस दौरान उन्होंने 14 मैचों में 22 विकेट झटके थे। इसके बाद उमरान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए चुना गया था, मगर यहां उमरान को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। इसके बाद उन्होंने आयरलैंड दौरे पर ले जाया गया। यहां उमरान ने 26 जून को डबलिन मैच से डेब्यू किया। उमरान ने अब तक 3 टी20 मैचों में 2 ही विकेट लिए हैं। हालांकि ऐसे में अब उमरान मलिक का प्रदर्शन जहां कुछ खास नहीं चल रहा है, ऐसे में उमरान मलिक पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्यों उमरान मलिक को मौका दिया जा रहा है, जबकि अर्शदीप सिंह एक खास तौर पर खास गेंदबाज टीम इंडिया में शामिल है। अब ऐसे में आकाश चोपड़ा ने जो बात कही है उससे आप कितने सहमत हैं? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।